नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, सब मजे में हो? पता है सब मस्त हो। अच्छा सुनिए, आज की वीडियो में जो हम उपाय बता रहे हैं बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल उपाय है जो हमने रिसेंटली इसको एक्सपेरिमेंट किया है। अगर किसी को भयानक से भयानक सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हों, सेक्सुअल अर्जेस आ रहे हों, किसी भी कारण से आ रहे हों, अगर 15 मिनट के लिए ये बस देख लो, कुछ मत करो, बस चला के देख लो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बुरे विचार कहाँ चले गए। आपका माइंड इतना ज़्यादा कूल और स्पिरिचुअल हो जाएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उससे पहले एक ज़रूरी बात बताना आवश्यक है। बहुत लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं मंथन हब पहले की तरह वो आवाज़ में ही बोलो, पहले जैसे बोलते थे। इतने दिनों से आप लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे अंदर एक फैमिली की फीलिंग्स आने लगी है, इसलिए सोचा कि कैजुअल टॉक में ही बात करें और आपको समझाएं। भाई देखिए, आवाज़ में कुछ नहीं रखा है, नॉलेज सब कुछ है। तो आपका ध्यान नॉलेज में होना चाहिए, आपका ध्यान अभ्यास में होना चाहिए, आपका ध्यान अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कैसे हो उस पर होना चाहिए। अब आता हूँ सीधे टॉपिक पर। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आप लोगों ने एक वीडियो देखी ना, लास्ट वीडियो वेब सीरीज के ऊपर, तो इसके ऊपर हमारी टीम का एक बंदा रिसर्च कर रहा था और रिसर्च करते करते उसको नशा हो गया, यानी कि उसे रहा नहीं गया और वो वेब सीरीज देखने लग गया। ठीक है, ये भी एक नशा ही है और क्या है। तो देखते देखते उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस आने लगे, समझ गए ना आप। और वो हमें बताने लग गया, भाई क्या करूँ मैं, अब ऐसी हालत हो गई कि अब तो लग रहा है कि ज्वालामुखी फटेगी, अब कैसे रोका जाए इसको, क्या उपाय है। तो हमें भी बड़ी चिंता हो गई, लेकिन चिंता हमें नहीं होती है एक्चुअल में, हम सीधा समाधान करते हैं। तो हमारे पास तो उपाय बहुत है, बहुत दिनों से सोच भी रहे थे कि इसका एक्सपेरिमेंट करें सही टाइम आने पर, और वो सही टाइम आ गया कि ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत कि इंसान का अब टूटा ब्रह्मचर्य, अब टूटा ब्रह्मचर्य, अब हालत खराब हुई, अब गया। इस हालत में भी हमने वो एक्सपेरिमेंट किया और हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। हमने क्या किया, उसको इंडियन क्लासिकल डांस कथक, जिसको परफॉर्म किया है कुमार शर्मा ने। कुमार शर्मा एक बहुत अच्छा डांसर हैं और एक कोरियोग्राफर भी हैं, आप लोगों ने उन्हें टीवी पे जरूर देखा होगा, कुमार शर्मा को आप लोग जानते होंगे। तो हमने 3 मिनट के लिए उनको कुमार शर्मा का कथक डांस दिखाया। दिखाने के बाद अचानक वो शांत हो गए और बोले कि भाई इसको चालू रहने दो। ठीक है, उन्होंने बंद ही नहीं होने दिया, उससे आगे ही देखा। देखते देखते उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सिर्फ 5 से 10 मिनट तक कथक डांस देखने से ही क्या एक्सपीरियंस हुआ, ये बहुत ही मज़ेदार बात है, ध्यान से सुनिए। उनका कहना है कि उनको ऐसा लगा जैसे कोई आरामदायक हल्की सी ऊर्जा उनके शरीर में नीचे से ऊपर चल रही है। उनको इतना मज़ा आया कि वो भूल ही गए कि मेरे को सेक्सुअल अर्जेस भी आ रहे थे। 2 से 3 मिनट देखने के बाद, सिर्फ देखने से ही उन्होंने बोला मैं इसको कंटिन्यू ही देखूंगा। पूरा देखने के बाद उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे कि शरीर से कुछ बाहर निकला, कुछ शरीर में जबरदस्त खतरनाक प्रेशर था और वो रिलीज हो गया। वो इतना रिलैक्स हो गए थे और पूरी रात बिना कुछ गड़बड़ किए चैन की नींद सोए। दोस्तों ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा। क्या होता है, जब सेक्सुअल अर्जेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं या किसी के अंदर सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी जो लाइफ एनर्जी होती है वो नीचे की सेंटर में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है या सबसे ज़्यादा इर्द गिर्द घूमती रहती है, मूलाधार चक्र के आसपास। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ऐसे लोगों को सेक्सुअल अर्जेस आते हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल बंदा भी होगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहा होगा, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल फॉलो भी कर रहा होगा, सब ठीक चल रहा है, लेकिन किसी कारण से जैसे कि उसने वेब सीरीज रिसर्च करते करते देख लिया, तो देखते देखते और अंदर घुस गया, तो अचानक उसके अंदर सेक्सुअल अर्जेस आने लग गए। वो क्या होता है कि हमारी जो लाइफ एनर्जी है ऊपर से अचानक इसी वजह से नीचे आ जाती है। नीचे आने की वजह से क्या होता है, सेक्सुअल अर्जेस पड़ जाते हैं।
लेकिन कथक डांस देखने से क्या होता है कि कथक डांस में जो स्टेप्स हैं, जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहे हैं, जो राग है, जो ताल है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इमोशन प्रभावित होता है, हमारा इमोशन ताल से, राग से और डांस से प्रभावित होता है। तो जो लाइफ एनर्जी है वो केवल डांस देखने से ही नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होने लगती है। जैसे कि लाइफ एनर्जी ऊपर फ्लो होती है, धीरे धीरे सेक्सुअल अर्जेस और सेक्सुअल थॉट्स रिड्यूस हो जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे कि लाइफ एनर्जी अचानक ऊपर उठती है, उठते उठते जब हमारे मस्तिष्क में एक तरह का वाइब्रेशन पैदा करती है, उससे हमें सुकून मिलता है, एक मजा, एक आनंद कह सकते हैं, उसको स्पिरिचुअल ब्लिस भी कह सकते हैं। तो ये है कथक डांस का जादू। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप भी कथक डांस सीख लो, कर लो, नहीं, आपको सीखना है तो सीखिए या नहीं सीखना है तो मत सीखिए। लेकिन अगर आप 15 मिनट के लिए भी कथक डांस देखते हैं तो आपकी लाइफ एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाएगी, और आपके अंदर कितना भी बुरा विचार चल रहा हो, कितने भी आपको सेक्सुअल अर्जेस सता रहे हों, ऐसे मौके पर, ऐसी कंडीशन में अगर आप 15 मिनट कथक डांस देखेंगे तो आपके बुरे विचार, सेक्सुअल अर्जेस यूं गायब हो जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो फाइनली मैं रिकमेंड करता हूं, जिनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस आते हैं वो रोज 15 मिनट के लिए कथक डांस जरूर देखें, और ये एक हफ्ते तक कंटिन्यू करें। शुरुआत में आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, यार क्या देख रहा हूँ, पक जाएंगे आप। कोई बात नहीं, आप देखिए, ज़बरदस्ती देखिए, 15 मिनट देखिए बस, ये कंटिन्यू एक रूटीन बना लीजिए, एक हफ्ते तक कीजिए, एक हफ्ते बाद आपको मज़ा आने लगेगा और आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में कुछ कुछ हो रहा है और आपके बुरे विचार तो यूं ही गायब हो जाएंगे। चलो वीडियो के अंत में हम आपको वो डांस दिखाते हैं जिसको देखकर बंदे का ब्रह्मचर्य टूटते टूटते बच गया था और बंदा चैन की नींद, आराम से एक स्पिरिचुअल स्लीप में चला गया था। देखिए ध्यान से और एक्सपीरियंस कीजिए। डांस के बाद आपके लिए कुछ स्पेशल एडवाइस भी है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करें, ध्यान से लास्ट तक देखें। Right.
तो देखा आपने, आपको कैसा लगा जरूर फीडबैक देना। और हम आपको यही स्पेशल एडवाइस देना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल के साथ, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के साथ, शास्त्रीय संगीत और नृत्य का यानी क्लासिकल डांस और म्यूजिक का बहुत ही गहरा रिलेशन है। क्लासिकल डांस और म्यूजिक को आप अपने जीवन के साथ शामिल कीजिए। अगर आप गा नहीं सकते तो सुनिए, नाच नहीं सकते तो देखिए। आपके जीवन में कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप पॉजिटिव थॉट्स के मालिक बन जाएंगे। ये एक अद्भुत रामबाण उपाय है जो ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में बहुत मददगार है। ऑल द वेरी बेस्ट।